तो क्या हाल चाल भाई लोग, कैसे हो आप लोग? और भाई, ये बात तो आपको पता ही होगी कि अभी कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे सैमसंग वाले अपने गैलेक्सी नोट 10 को ऑफिशियली अनवील करने वाले हैं। और भाई, यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग इस फोन के ऑफिशियली लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे जैसे भी कुछ गरीब लोग हैं जो कि इस फोन के बारे में सोच भी नहीं रहे, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता आपको ये बात बताने की जरूरत है कि आमतौर पर सैमसंग के फोन, खासकर फ्लैगशिप फोन, कितने रुपयों के आते हैं। वैसे हाँ, आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर हम सब बिल्कुल भी बातें नहीं करने वाले गैलेक्सी नोट 10 के बारे में। इसके सिवाय इस वीडियो के अंदर हम सब बातें करने वाले हैं एक और दूसरे सैमसंग के डिवाइस के बारे में जो कि सेम डेट पे लॉन्च हो सकता है। और हाँ, शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम चल गया होगा कि यहाँ पे मैं बातें कर रहा हूँ सैमसंग के गैलेक्सी A90 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फिर बिना कोई बकवास की जल्दी से इस वीडियो को। मैं हूं ऋषभ और आप लोग देख रहे हो ऋषभ टेक। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है गैलेक्सी A90 के ऊपर, जहाँ पे मैंने काफी सारी चीजों के ऊपर बातें कर रखी है। लेकिन भाई फिलहाल के लिए, जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, अभी हाल में ही ये फोन एक वाईफाई सर्टिफिकेशन के ऊपर स्पॉट किया गया है, जिससे ऑफकोर्स हमें ज्यादा तो कुछ मालूम नहीं चलता इस फोन के बारे में। लेकिन हाँ भाई, यहाँ पे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि यहाँ पे गैलेक्सी A90 नाम का फोन एक्सिस्ट करता है। और भाई फिर अगर आप लोग कुछ लीक्स या फिर रूमर्स की भी मानो, तो ये फोन आपको सेम डेट पे लॉन्च होता देखने को मिल जाएगा, जिस दिन यहाँ पे गैलेक्सी नोट 10 ऑफिशियली अनवील होने वाला है। अब देखो, ये बात तो मैं आपको 100% कंफर्म नहीं बता सकता कि ऐसा सचमुच में कुछ होने वाला है या फिर नहीं, लेकिन एक बात तो आप लोग कंफर्म मान सकते हो कि गैलेक्सी A90 भाई साहब काफी जल्द आपको लॉन्च होता देखने को मिल जाएगा। अब हाँ देखो, फोन तो काफी जल्द लॉन्च हो ही जाएगा, लेकिन सवाल तो ये निकल के आता है कि क्या आपको इस फोन के लिए वेट करना चाहिए। तो भाई सबसे पहले मैं आपको एक कंफर्म बात बता दूं इस गैलेक्सी A90 के बारे में। अब देखो, ऑफ कोर्स ये सक्सेसर होने वाला है गैलेक्सी A80 का, लेकिन भाई साहब यहाँ पे आपको ये फ्लिप अप रोटेटिंग कैमरा देखने को नहीं मिलने वाला। इसके सिवा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी एक वाटर ड्रॉपलेट वाली नॉच, साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक एमोलेड पैनल भी देखने को मिल जाएगा। और ऑफ कोर्स इस वजह से यहाँ पे आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो हाँ भाई, जिन लोगों को अब ये लग रहा था कि इस फोन के साथ आपको एक फुली बेजल स्क्रीन देखने को मिलने वाली है, तो देखो आपको पहले बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और सबसे पहला रीजन जो मुझे समझ में आता है ऐसा ना करने का, वो है भाई कॉस्ट कटिंग। क्योंकि देखो, पहली बात तो ये मैकेनिज्म लगाने की वजह से गैलेक्सी A80 पहले से काफी ज्यादा महंगा हो जाता है। मतलब भाई 50,000 रुपयों में तो आपको एक फुली फ्लेक्सिबल लेवल का फोन देखने को मिल जाता है। फिर मुझे नहीं पता कि सैमसंग वालों ने इस फोन को 50,000 का क्यों लॉन्च किया, लेकिन इस वजह से मेरे ख्याल से मेरे दोस्त आपको गैलेक्सी A90 में ये वाटर ड्रॉपलेट वाली नॉच देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 855 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और भाई इस वजह से मेरे भाई गैलेक्सी A90 आज के डेट में मिलने वाले किसी भी दूसरे फ्लेक्सिबल लेवल वाले फोन्स को कम्पीट कर सकता है, परफॉर्मेंस के मामले में खासकर। और वैसे सैमसंग वालों का इस फोन के साथ Qualcomm Snapdragon 855 लगाने का एक मेन रीजन तो ये भी था कि चिपसेट के साथ आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है 5G का। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी आपको बताया था कि यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस है कि गैलेक्सी A90 के साथ आपको 5G का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और अगर ऐसा सचमुच में कुछ होता है तो यहाँ पे गैलेक्सी A90 वन ऑफ द चीपेस्ट फोन बन जाएगा, यहाँ पे आपको ये 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है। वैसे आपको एक और खास बात के बारे में बता देना चाहता हूँ जो कि आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो गैलेक्सी A90 से, तो भाई यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक 4500 mAh की काफी बड़ी बैटरी का सपोर्ट देखने को मिल जाए। और साथ ही साथ मेरे भाई यहाँ पे आपको 45W की फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाए। और हाँ, ये चीज आपको गैलेक्सी नोट 10 के साथ भी देखने को मिलने वाली है। तो भाई अगेन, फोन काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल लेवल का होने वाला है, लेकिन हाँ शायद ये फोन आपको नॉर्मल सैमसंग गैलेक्सी फ्लेक्सिप इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं करने वाला। और हाँ भाई देखो, ये तो थी अभी तक की कहानी सैमसंग के इस गैलेक्सी A90 की। अब वैसे अब यहाँ पे आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या विचार हैं इस फोन के ऊपर, भाई सारी चीजें आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो मेरे भाई एक लाइक आपको इस वीडियो पे, चैनल को कर देना सब्सक्राइब उस लाल वाले बटन को दबा के, और हाँ भाई उस घंटे को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उसके बगैर आपको ऐसी और काफी कमाल की वीडियोस की नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलने वाली। तो मेक श्योर आपका नोटिफिकेशन बेल ऑन होना चाहिए। और चलो फिर मैं मिलता हूं आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए